टाटा मोटर्स प्लांट में शुक्रवार को बोनस समझौता संपन्न हुआ, जहां दोपहर के वक्त हुए इस बोनस समझौते में विपरीत परिस्थितियों के बीच भी 281 के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण करने का समझौता हुआ, जिसमें 5 स्थायीकरण नर्स पद पर होगा। इसके अलावा 10.5% बोनस पर भी समझौता हुआ। इसके तहत कर्मचारियों का औसतन बोनस राशि 38,200 रुपये मिलेगा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बोनस के साथ स्थायीकरण पर बोनस समझौता किया गया। स्थायीकरण और बोनस को लेकर विजेता के तौर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह का विजेता के तौर पर स्वागत भी किया गया। बोनस आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के द्वारा मिलकर के ऐतिहासिक बोनस और अस्थायी साथियों का स्थायीकरण जो हुआ है, आज के समय में मिसाल का काम हुआ है। कारण ये है कि आज के दौर में पूरे दुनिया में मजदूरों को निकाला जा रहा है और उस स्थिति में टाटा मोटर अपने प्लांट में एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम अपने टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन के तरफ से टाटा मोटर के मैन्युफैक्चरिंग हेड देवीलाल साहब, प्लांट हेड विशाल साहब, IR हेड दीपक जी और जितने भी सीनियर हम लोग के मैनेजमेंट हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं यूनियन के तरफ से और मजदूरों के तरफ से कि इस मंदी और कोविड काल में एक अच्छा बोनस और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो देने का काम किया गया है, ये विश्वास आने वाले समय में टाटा मोटर्स को और ऊंची उपलब्धि हासिल करने में ये सहायक सिद्ध होगा। 281 आदमी का स्थायीकरण हुआ है, जिसमें 5 हमारे टाटा मोटर्स हॉस्पिटल की नर्सें हैं और 276 टाटा मोटर्स के जो वर्कर हैं उनका स्थायीकरण हुआ है। 2019-20 के कारोबार के लिहाज से 2020 में टाटा मोटर्स के कर्मचारियों को 10% बोनस हुआ है, जबकि अधिकतम 46,100 और औसतन 29,900 रुपये मिले थे। समझौता के तहत 2009 और 2010 बैच के 221 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर भी सहमति बन गई थी। करीब 300 लोगों को सुपर निवेशन स्कीम का लाभ दिया गया था। कंपनी के अस्थायी कर्मचारियों को कार्य दिवस के मुताबिक 8.33% बोनस दिया गया था और पिछले साल 5,600 स्थायी कर्मचारी थे, जबकि 3,700 अस्थायी कर्मचारी थे।